हेलो दोस्तों, ज्योति रुपीस कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ ये केक जेल और ये पाइपिंग जेल क्या होता है। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ये दोनों सेम होते हैं या फिर सेम वर्क करते हैं। अगर केक में हम डालें तो क्या एक के डालने से काम चल जाएगा? तो आज यही कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फूड फ्रिल्स का ये पाइपिंग जेल और ये केक जेल लिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पाइपिंग जेल ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये 200 ml का है और इसके बड़े डब्बे भी आते हैं, इसके भी बड़े बड़े डब्बे आते हैं और इससे छोटे भी आते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ये मार्केट में भी मिलते हैं और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ये जो पाइपिंग जेल होता है ये ट्रांसपेरेंट सा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये, देखिए ये जो एलोवेरा जेल होता है आपको उसके जैसा लगेगा जब आप इसे निकालेंगे तो। और ये थोड़ा मीठा भी होता है और इसमें आप जो भी फ्लेवर ऐड करेंगे ये और उसी कलर का और उसी फ्लेवर का हो जाएगा। और ये अलग अलग फ्लेवर में भी मिलता है, ये पाइनएप्पल में मिलता है, स्ट्रॉबेरी में मिलता है और आपने देखा ये काफ़ी स्टिकी होता है। और जब आप इसका यूज करेंगे तो इसमें आपको मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। इसमें सिर्फ आपको कलर ही ऐड करना है और आप जिस फ्लेवर का केक बना रहे हैं आपको वो फ्लेवर ऐड करना है। और ये भेज प्रोडक्ट होता है। चलिए देखते हैं कि इस ये क्या क्या काम करता है, इसका केक में क्या काम है। तो ये फ्रोस्टिंग का काम करता है, आइसिंग का काम करेगा, आपको डेकोरेशन में यूज होगा ये। उसके बाद ये केक में ग्लेज लाता है, जो आप किसी किसी केक में देखते हैं कि काफ़ी शाइनिंग होता है तो ये इसी से होता है। और जब आप केक के ऊपर आपने देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ होता है वो हम इसी से लिखते हैं। ये राइटिंग का भी काम करता है, तो आपने देखा इसे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इसकी जो है हम रखने का पूछेंगे कि इसे हम रख कैसे सकते हैं, तो आप इसे घर में मतलब फ्रिज में नहीं रखिए, नॉर्मल आप रखिए लेकिन रूम टेम्परेचर पे जहाँ थोड़ा सा ठंडक होता है। तो ये आपको 6 महीने से 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। और केक में बहुत अच्छा ग्लास फिनिश देता है। और इसका एक सबसे बड़ा काम ये है कि आप कभी कभी देखते हैं कि आप फ्रूट केक बनाते हैं तो जब हम घरों में फल काटते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद काले पड़ जाते हैं, जैसे सेब हो, कीवी हो, केला हो, काफ़ी ख़राब जैसे लगने लगते हैं। लेकिन जब आप फ्रूट को काटते हैं और इससे कोटिंग करते हैं और जब केक के ऊपर आप डेकोरेट करेंगे तो जो फल है वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप समझ गए कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। ये बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, एक बार आप इसको यूज़ करके बनाइए, इससे केक में आपको बहुत फिनिशिंग आएगी और केक बहुत अच्छा रहेगा। और इसे पाइपिंग जेल तो कहते ही हैं पर इसे न्यूट्रल जेल भी कहते हैं, यानी कि पाइपिंग जेल और न्यूट्रल जेल एक ही होते हैं। आप दुकान में आप न्यूट्रल जेल भी बोलेंगे तो आपको यही पे देगा। तो आपने देखा इसका काम, तो इसका काम आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसे हम बंद कर देते हैं और लेते हैं अपने केक जेल को। तो ये देखिए, ये केक जेल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है सॉफ्टनर, यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये केक को सॉफ्ट बनाता है। यानी कि जब आप इसे केक में डालेंगे तो केक आपका बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। आप देखते हैं कि जब आप बाजार से जो केक लाते हैं वो बहुत मुलायम होता है, तो वो इसी से हो बनता है। मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसा होता है। ये देखिए आप, ये देखिए कुछ कुछ ये आपको भैसलीन के जैसा लगेगा। इसे हम केक इम्प्रूवर भी करते हैं, केक इम्प्रूवर इसलिए क्योंकि इसे डालने से केक बहुत अच्छा हो जाता है। ये जेल और पाउडर दोनों फॉर्म में आता है, तो आप चाहे तो पाउडर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं या ये जेल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। और इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, आपने देखा इसमें ये मीठा होता है पर ये मीठा नहीं होता है। जो ये हमारा केक जेल है ये मीठा नहीं होता है, इसमें आपको अलग से फ्लेवर ऐड करना पड़ता है। और ये स्टिकी भी होता है, आप ये देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपके हाथ में ये चिपकेगा। अगर आप ये केक में भी ज़्यादा यूज करेंगे तो ये आपको केक भी ज़्यादा स्टिकी लगेगा, इसलिए इसे थोड़ा सा ही यूज किया जाता है, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। अब हम बताते हैं कि ये केक में क्या काम करता है। तो ये काम,
इसका काम है इसके को स्टेबलाइज करना, यानी कि स्टेबलाइजर का काम करता है। अब स्टेबलाइजर का क्या मतलब है, यानी कि केक आप आइसक्रीम में अगर इसे यूज करेंगे या केक में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने आपका केक जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यानी कि कभी कभी होता है कि हम केक बना तो लेते हैं, वो शुरू में तो सॉफ्ट होता है पर बाद में वो हार्ड हो जाता है, पर आप अगर इसका यूज करेंगे तो वो हार्ड नहीं होगा। और अगर फिर ये इमल्सीफायर का काम करता है। इमल्सीफायर क्या होता है कि कभी कभी दो पदार्थ आपस में नहीं मिलते हैं, जैसे कि हम अच्छा उदाहरण ले सकते हैं तेल और पानी, वो आपस में नहीं मिलते हैं, और केक में हम ऑयल भी यूज करते हैं और पानी का भी यूज करते हैं, तो जब हम इसका यूज करेंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से मिलेंगे और केक हमारा बहुत अच्छा बनेगा। ये टेक्सचर इम्प्रूव भी करता है, बहुत अच्छा इसे टेस्ट आता है और केक बहुत ही सॉफ्ट बनाता है और बहुत ही स्पॉन्जी बनाता है। और कभी कभी आप देखते हैं कि जब हम केक बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, पर आप जब इसे डाल कर बनाएंगे तो केक हमारा बहुत वाइट और बहुत स्पॉन्जी बनेगा। तो आपने देखा इसका काम और इसका काम बहुत ही अच्छा है। ये आपको स्टेबलाइजर का काम करता है, इमल्सीफायर का काम करता है, टेक्सचर इम्प्रूव करता है और केक को सॉफ्ट बनाता है और वाइट बनाता है। और इसका काम हमने बताया, इसका काम है ये देखिए पाइपिंग जेल, इसका काम है फ्रोस्टिंग का, आइसिंग का, डेकोरेशन का, और केक में ग्लेज लाता है और लिखने का भी काम करता है। यानी कि हमें कुछ भी अगर केक के ऊपर डेकोरेट करना हो, लिखना हो, तो हम इससे लिख सकते हैं और इससे केक को सॉफ्ट बना सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम ये पाइपिंग जेल का देख लेते हैं। तो पाइपिंग जेल के लिए सबसे पहले आपको जितना बड़ा केक हो या जितना में सजाना हो आप उतना ले ले। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ही बता रही हूँ लेकर, ये देखिए, ये देखिए ये कैसा होता है। तो ये हमने ले लिया है, ये अभी आप देख रहे हैं काफ़ी गाढ़ा होता है। अब आपको इसमें जो भी कलर ऐड करना हो वो आप कलर ऐड कर लीजिए और इस तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, तो अभी आपको ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा होगा तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी आप ज़्यादा ना डालें, चम्मच से ज़रा सा ही डालें, क्योंकि आप अगर ये मिश्रण ज़्यादा पतला हो जाएगा तो केक भी फैल जाएगा। तो ये देखिए अभी इस तरह गिर रहा है और ये केक पे बहुत अच्छा फैल जाएगा। तो ये हमारा पाइपिंग जेल तैयार हो गया। और अगर आपको इसे राइटिंग करना हो तो आप इसमें पानी ना डालें, थोड़ा जो गाढ़ा आपने शुरू में देखा बस उसी तरह से उसे भर लें और उसे लिख लें। तो आपने देखा ये, और इससे आप देखिए ये कितना शाइनिंग कर रहा है, इसीलिए इसे ग्लेज केक में ग्लेज भी बहुत अच्छा आता है। तो अब चलिए हम इसका यूज़ देखते हैं। तो मैंने इसका यूज़ करके एक केक बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं केक में उसे कैसे मैंने यूज़ किया। आपको इसका 1 चम्मच ले लेना है और इसे हाथों की सहायता से या बीटर की सहायता से अच्छा से फेड़ देना है। जब हम अंडे का यूज़ नहीं करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। ये जिस तरह अंडे से केक सॉफ्ट बनता है उस तरह इससे भी सॉफ्ट बनता है, इसीलिए अंडे की जगह पे हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसे भी। केक जेल के लिए सबसे पहले आप एक बाउल ले ले और उसमें 1/2 कप पानी ले ले। पानी आप ज़्यादा ना ले और उसमें बस जैसा मैंने पहले बताया था 1/2 चम्मच से भी कम हमें केक जेल लेना है। वैसे आप केक की क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं, अगर केक आपने बहुत ज़्यादा बनाना हो तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं और नॉर्मल जो केक बनता है तो उसमें आप 1/2 चम्मच ले। तो आप ये देखें मैंने 1/2 चम्मच से भी एकदम कम, एकदम थोड़ा सा लिया है क्योंकि इसकी मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। और अब आप या तो हैंड विस्कर की सहायता से या फिर बीटर की सहायता से इसे चला लें। तो जैसे ही आप चलाना शुरू करेंगे आप पहले एकदम धीमा चलाएं तो आप देखें धीरे धीरे इसमें झाग आना शुरू हो गया है और यही झाग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एकदम व्हिप्ड क्रीम का रूप ले लेगा। ये देखिए पहले मैंने एकदम लो से चलाया है
तो अभी आप देख रहे हैं ये कैसे झाग होना शुरू हो गया, जैसे अंडे को फेंटते हैं तो झाग उसमें होना शुरू हो जाता है, उसी तरह इसमें भी झाग होना शुरू कर दिया है। और जब आप इसे 1 से 2 मिनट फेंटेंगे तो इसमें झाग की मात्रा बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं इसमें झाग कितना बढ़ गया है, इसे टोटल 3 से 4 मिनट फेंटना है। तो ये देखिए फेंटते फेंटते करीब 3 से 4 मिनट हो गया है और ये आपको एकदम व्हिप क्रीम की तरह दिख रहा है कि जैसे ये क्रीम ही हो। आप देख रहे हैं क्रीम जैसे होता है एकदम उस तरह के का लग रहा है। तो आपको इसी कंसिस्टेंसी में आपको ले आना है चलाते चलाते, आपको तब तक चलाते रहना जब तक ये इस कंडीशन में ना आ जाए। तो जब इस तरह का एकदम हो जाएगा तभी आपको इसमें मिलाना है मिक्सचर। तो ये मैंने प्री मिक्स का पाउडर बना के रखा है, आप चाहे तो इसकी रेसिपी में हम डाल देंगे और आप चाहे तो छलनी की सहायता से तुरंत भी सारी सामग्री डाल सकते हैं। तो मैंने पहले से इसे तैयार रखा है, तो आप 2-2 चम्मच करके डालते जाएं, एक बार में ना डालें और इस तरह से मिलाते जाएं। इस तरह से आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कितना डालना है। उसके बाद भी अगर आपका पाउडर ज़्यादा हो, केक का मिक्सचर ज़्यादा हो, तो आप बाद में दूध का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे मिलाते मिलाते हमने मिला लिया है और ये कितना स्मूथ लग रहा है, बहुत फाइन पेस्ट बना है। तो आपको इसी तरह से केक डेल का यूज़ करना है। अब आप इसे मोल्ड में डालें और बेक करें। तो ये देखिए हमने मोल्ड में डाल लिया है और अब बेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपने देख लिया ये पाइपिंग जेल और ये केक जेल का क्या काम होता है और आपने इसका वर्क भी समझ लिया होगा कि ये केक में क्या क्या काम करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे रेसिपी लाने वाले हैं। तो इनका यूज अलग अलग रेसिपी में कैसे कैसे होता है तो उसे देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।